हेलो एवरीवन, सो मेरे इस चैनल कामना ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। तो आज ना हमारा जो गांव में कथा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको सारे कथा के वीडियोस बना के अपलोड किए थे और उम्मीद करते हो आपने देखे होंगे। तो जी हाँ, जो वहाँ के मेन गुरुजी थे वो हमारे घर पे कल ही आए और कल वो थोड़ा बाहर चले गए थे और स्टोरेज इशू की वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आज उनका सेकेंड डे है और आज ही आफ्टरनून में वो निकल जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग बनाया जाए और मेरा रूटीन भी साथ में मैं शेयर करूँ। ठीक है, सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आज कल मैं साड़ी पहन रही हूँ किसी रीज़न से। ठीक है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी अभी पूजा हो गई है, ठीक है, और अब सोना का दूध मैंने ये देखो ठंडा करने के लिए रखा है ताकि जैसे वो उठेगी मैं तुरंत उसको पिला दूंगी। ठीक है, तो अभी उसका दूध ठंडा हो रहा है और तब तक सोना को मैं अभी नहीं उठा रही हूँ, मुझे कपड़े डालने हैं। और जी गए हैं मुंबा देवी पापा जी के साथ। सुबह सुबह ये लोग 5 बजे निकल गए, तो अभी आते होंगे शायद थोड़ी देर में, तो मैं आपको दिखाती हूँ गुरु जी को। ठीक है, चलो पहले तो कपड़ा डाल लेते हैं अपना, यहाँ ऊपर का काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद जो ना उठेगी, जो मैं फ्रेश करने के बाद तब मैं जाऊँगी नीचे। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए शोना भी सो रही है, चलो तब तक हम अपने कपड़े ही सुखा लेते हैं जब तक शोना सो रही है। सोना, ये उठो, उठ गई और सोना का दूध पी के हो गया है ना सोना। अब चलो फ्रेश हो जा, रेडी हो गई, चलो सोना चलो। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? हाँ नीचे। अच्छा ठीक, आ गए नीचे। ये मेरे हाथ क्या हुआ? पहले इतनी मोटी रोटी आज मैं बनाई हूँ, देखो क्या हुआ। अच्छा है ना? अरे मम्मी ने मेरे को बोला नॉर्मल सी मोटी। ये नॉर्मल सी मोटी है, चलेगा। तो आज नेहा ने बनाई है मोटी रोटी, ये देखो। आज नहीं बनाई, मैं डेली बनाती हूँ कभी कभी। तो यही सब हो रहा है यहाँ पे, गौरव नाश्ता कर रहा है। तो मैं सोना को रेडी करके नीचे आ गए हम लोग, और जैसे मैं किचन में आई तो मैंने देखा रोटी वाला ही काम सिर्फ पेंडिंग बचा था, तो हम लोग फटाक से रोटी करने में जुट गए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुरुजी गए थे मंदिर में, सुबह ही निकल गए वो, तो उनका नाश्ता नहीं बनाना था, कुछ डायरेक्ट खाना बनाना था। और हमें पता चला कि बस अभी गुरुजी आते ही होंगे, तो चलिए उनकी भी तैयारी करते। इतना सारा बर्तन मांजती है हमारी ननद रानी, भगवान करे ऐसी ननद सबको मिले। आपको बाई रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गुरुजी आ गए, ये उन्हीं का चाय बन रहा है और चाय बन के यहाँ पे रेडी हो गया। तो नेहा को मैंने बोला दोस्तों की जाने के लिए, तो उसका ऐसा था नहीं भाभी आप ही लेके जाओ चाय। और मैंने जो साड़ी पहनी थी वो इतना ज़्यादा फिसल रहा था सर पे से, इसलिए मैं नहीं जा रही थी, बट फिर भी मैं लेके गई। और यहाँ पर मैं एक तो चाय में कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि एक पापा की शुगर फ्री वाली चाय थी और एक पंडित जी की शक्कर वाली चाय थी, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों चाय सर्व किया और देखा कि सोनू दादू को अपने कंप्लेन कर रही थी कि किचन में मम्मा और बुआ मस्ती कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब लोग हंस रहे थे। यहाँ पे नेहा हमारा किचन में हेल्प ही कर रही थी और यहाँ पे गुरुजी चाय की चुस्की ले रहे थे, जैसे कि मैंने अभी सर्व किया। तो मेरा ऐसा थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वीडियो ले लेती हूँ गुरुजी का, बट इतना बहुत अजीब लग रहा था, बट फिर भी मैंने लिया आप लोगों के लिए। सिर्फ गुरुजी के आने के बाद और उनकी सेवा में उपस्थित होने के बाद हमें ये फ्री टाइम मिल गया। सो अक्सर ऐसा होता है तो हम मम्मी जी के पास आके थोड़े गप्पे शप्पे मारते हैं हम बहुएँ, ठीक है। तो हम बैठे थे तो हस्बैंड भी हमें आके ज्वाइन कर लिए यहाँ पे, हमने चीज़ें डिस्कस की और फिर लग गए हम अपने काम में, मतलब बच्चों की ताम झाम में। बाबू और सोना नहाने जाएंगे और नहाने वाली मैडम है ये, आज ही सब यहाँ पे सोना नहा रही है, यहाँ पे बाबू नहा रहा है जैसे कि देख सकते हो। तो इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं ना बच्चे नहाते वक्त, इसलिए मैंने ये भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया। सोना रेडी हो गई है, अब चलो अब हम खाना खाओगे ना सोना? अभी आप अभी खाना खाओगे ना? चलो इसको लेके जाते हैं।
शोना के साथ साथ गुरुजी, पापा जी और शोना के पापा का भी टाइम हो गया था खाना खाने के लिए। तो सबका खाना यहाँ पे परोसा जा रहा है एंड सभी के साथ यहाँ पे हमारी शोना भी बैठ के खा रही, जैसे कि आप देख सकते हो। बट वो लड़की खाएगी नहीं, बस नौटंकी कर रही थी। बट ऐसा था, सबके साथ बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा चीज़ें सीखते हैं, इसलिए हमने उसको भी सबके साथ सर्व कर दिया। तो यहाँ पर वो थोड़ा खाई, थोड़ा मस्ती की, बट ठीक था। शोना खाने रही थी, सिर्फ मस्ती कर रही थी, इसलिए फिर मैंने ग्लास लिया और आई और उसको वहाँ से शिफ्ट किया ताकि मैं उसको दूसरी जगह लेके जाके खिलाऊं, क्योंकि थोड़ी देर बाद गुरुजी भी निकलने वाले थे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, उनका टाइम हो गया खाने पीने के बाद, काफ़ी देर बैठे और अब निकल रहे हैं, विदा हो रहे हैं। तो हम सभी ने उनको प्रणाम किया, पूरे परिवार ने मिलजुल के, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर पंडित जी थोड़ी देर में चले गए। तो गुरुजी विदा हो रहे थे और शोना इतना ज़्यादा रो रही थी, ऐसा था कि मुझे भी आपके घर जाना है, इसलिए बड़े भैया भी उसको साथ में लेके गए ताकि उसका रोना बंद हो जाए। और यहाँ पे देखिए हमारी नेहा कितनी सैड हो गई है। तो हमारा खाना पीना हो गया और गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए और यहाँ पे देखो बच्चे लोग ये लोग खेल रहे हैं। और अभी 1:30 हो रहे हैं तो मैं भी शोना को लेके जाके ऊपर अभी हम लोग सोने जाते हैं। अभी बज रहे हैं 5, हस्बैंड गए हैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल और शोना को हम पिलाने जा रहे हैं दूध। ये देखो ना, यहाँ पे बैठ के क्या खा रहे हो ये? अच्छा चलो खा, चलो दूध पिला दे मम्मा, चलो। तो शोना को हम दूध पिला के और फिर जाएगी नीचे अपने दादू के साथ खेलने, है ना। और ये देखो अभी सो के उठी है लड़की, इसका भी बुलाइए, बेचारी थक गई थी। चलो फटाफट दूध पिला के चलते नीचे। शोना को रेडी कर लिया और वो नीचे चली गई और एक्चुअली घर में ना कोई आने वाला है, इसलिए नेहा भी चली गई और हस्बैंड तो हॉस्पिटल गए हैं, हस्बैंड और मम्मी, और भाभी भी बाबू को वैक्सीन लगाने गई हैं, तो इसलिए फिलहाल घर में कोई नहीं। और नेहा नीचे अकेली है, वो मुझे बुला रही है और मैं भी थोड़ा यहाँ पे काम कर रही थी। तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं कि कौन नीचे आया है, थोड़ी नेहा की मदद भी करते हैं, ठीक है। और एक तो मैं लिफ्ट में आई ना नीचे जाने के लिए, पहले 6 से 7 पे गया, 7 से 9 पे, 9 से फिर 6 पे, इतना ज़्यादा हॉल्ट ले रहा है मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आ गया फाइनली हमारा घर, आ गया। फिलहाल घर में वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं और अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैं, पापा और नेहा है। तो अभी देखते हैं वो लोग आ जाएंगे, फिर चीज़ें स्टार्ट करते हैं। पापा कॉल पे लगे हुए हैं क्योंकि वो शायद रास्ता भटक गए हैं ऐसा कुछ। फाइनली ये लोग इंतज़ार के बाद आ गए। तो दोस्तों मुझे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पता नहीं है, बट यस ये भी हमारी गांव की फैमिली है। तो जो आए हैं वो लोग हॉल में बैठ के सब बातें कर रहे हैं एंड नेहा भी उनके साथ ही है। तो मैं क्या करूँ, मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम करी कुछ खाऊँ तब तक, क्योंकि ऐसे बड़ा बोर होता है ना, मैं जाके भी क्या इंटरेक्ट करूँ उनसे। तो ऐसा है चलो हम अपनी आइसक्रीम खा लेते हैं। लोग आ गए, बेचारे बाबू को इंजेक्शन लगा। बाबू, ए बाबू देखो हमारा पिज्जा भी आ गया। निया निया हमारी इतनी मददगार है कि क्या ही बोलूं, पिज्जा भी लेके आई है। निया लग रहा है मैं ही खाने वाली हूं सब। हां अगर तुम खा लेती ना तो गंगा में जब बोल के आ जाते सब लोग। शोना बुआ इतना खा इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा, ओह कौन चीज, इंडियन टेक्निक। चलो खाते हैं। कल सब लोग आए थे और चले गए और एक्चुअली हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे किचन में खाना वीना बनाने में कि मैं रिकॉर्डिंग और नहीं कर पाई कि हमने क्या बनाया, वो लोग कब निकले। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा ये जो एंडिंग है ये आज रिकॉर्ड कर दूँ। तो हमने काफ़ी कुछ बनाया था और वो खा के लगभग 9:30-10 बजे तक निकले। और उसके बाद फिर तो वो लोग खा के निकल गए और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, शोना में मैं बिजी हो गई थी। तो मेरा ये वीडियो फिर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, उससे भी ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड यस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप फटाफट जाके देख लें। थैंक यू सो मच।